हाँ, एक दफा हर्षित बताइए तो क्या था लास्ट पॉइंट, लास्ट एग्जाम्पल करवाया था क्या? जी सर, चलिए मैं हाँ ये एग्जाम्पल कराया था। देखिए इसका प्रोडक्ट बनाइए सारे लोग, कि आपका ये टर्शरी अल्कोहल है, इसका अगर आपको दिया रहा है H3PO4 एंड 443 कैल्विन, प्रोडक्ट बनाइए CH3 CHOH CH2 CH3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन प्रोडक्ट बनाइए। नहीं बना प्रोडक्ट, इसमें इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा कि दो बनेगा, जल्दी बता दो। एक अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड सब लोगों ने बना लिया, जी सर, इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर होगा सेस ऑफ रूल के मुताबिक। अरे बोलिए। हाँ जी सर, सर सब लोग नहीं बोल रहे हैं, मानस मानस जोशी बोल रहे हैं और हर्षित बोल रहे हैं, बाकी सब चुप हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हेलो एवरीवन। यस सर, अरे सर अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा फिर से समझा दें। ओके ओके सर, अगर अब ये फर्स्ट स्लाइड है, अच्छा हाँ हाँ, वही है, इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ हाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग पढ़े थे कि कंसंट्रेटेड एच2एसओ4 के साथ अल्किन बनाएगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड डाल देंगे। देखिए लास्ट, आप लास्ट क्लास में थे? हाँ यस सर, मैं था लास्ट में। हाँ हाँ चलिए ओके ओके। आगे बढ़ें। यस सर, अब देखिए इसमें काम की बातें जो मुझे बतानी है आप लोगों को, इसलिए इसमें थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेगा। वो काम की बात पहली दफा आप पढ़ेंगे, सारे लोग ध्यान देंगे, ये पहली दफा आया है तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान। अच्छा इसमें आप प्रोडक्ट बनाए तब फिर मैं बताऊंगा। अल्फा इसमें प्रोडक्ट बना के आप दिखाइए, आप बहुत तेज स्टूडेंट हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग, और प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा तो मुझे मजा भी आएगा, गलत या सही आप प्रोडक्ट बना के दिखाइए। नहीं बना किसी से ना, आप कोई बता सकता है इसमें अल्फा बीटा?
कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर। चलिए मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं, सारे लोग सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमने आपको बताया था ना इसकी मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर बता। मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म देखो, कार्बोकेटाइन रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिखा हुआ है, सब लोग बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा इसको छोड़िए, आप गौर से सुनिए। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, उसको कहते हैं, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं, आज पहली दफा सीख रहे हैं आप, इसको सीखना है, ऑर्गेनिक इसके बगैर कंप्लीट नहीं है, दिस इज द हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसका पहला प्रोमो आपको पेश किया जा रहा है वो है रीअरेंजमेंट। 5 मिनट अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिस बहुत होगी, और आज ये पहली दफा आया है, इसी एल्कीन में ये दूसरी तीसरी दफा भी आएगा, रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन की स्पेशल प्रॉपर्टीज का नाम बताइए क्या है? रीअरेंजमेंट। क्या है बताइए? रीअरेंजमेंट। हाँ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ, गौर से सुनेंगे, रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास, सारे लोग देखिएगा, बताइए ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो होता कि रीअरेंजमेंट का मतलब यही होता है कि ट्रांसफर ऑफ एटम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद इन द सेम मॉलिक्यूल, और ज्यादा स्टेबल चीज देगा। देखिए अगर हम इसको ऐसे कर दें, CH3 है, CH है, H है, एंड CH2+, लिखना नहीं है अभी, इसको कहते हैं 1-1-2, एकदम एडजेसेंट पड़ोसी, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो बताओ ये इंटरनली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। तो जहां पर भी गौर से सुने, जिस रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां प्रोडक्ट बनाने में भी सतर्क रहना है, देने को कुछ दे देगा कुछ। If any reaction is completed through intermediate carbocation, then we must keep rearrangement in mind during the formation of product. वो प्रैक्टिस से आएगा, भी घबराना नहीं। हम कैसे समझेंगे रीअरेंजमेंट वो हम बताएं। कार्बोकेटाइन जहां भी बने वहां प्रोडक्ट बनाने में रीअरेंजमेंट को माइंड में रखते हुए हम प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों? आप पढ़ चुके हैं, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन वुड बी फास्टर। तो प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी टर्शियरी में होगा। तो टॉपिक आपने डाला था रीअरेंजमेंट। यस सर। हाँ अब मैं उसमें पहले एक पॉइंट लिख देता हूं, आप लोग मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। इफ एनी रिएक्शन इज कंप्लीटेड थ्रो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, देन द रीअरेंजमेंट मे टेक्स प्लेस। कोई जरूरी नहीं हर जगह होगा, मे टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। During the reaction. क्यों? उसका रीजन है, क्यों रीअरेंजमेंट होगा? तो रीजन है to acquire more stable product. तो रीअरेंजमेंट का पर्पस क्या है? To acquire more stable product, reaction भी fast हो जाएगा। Yes
एबिलिटी हाँ जितना ज्यादा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट मिलेगा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहली बात बताओ रीअरेंजमेंट का फायदा सबको समझ में आया क्यों होना चाहिए? चलिए ये लिख लिया तो बताइए फिर मैं आगे बढ़ूं। सर हाँ बोलिए सर, इसकी हेडिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन थी ना? क्या हुआ किसमें? सर इसकी हेडिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ हाँ हाँ, ये पहले टॉपिक डाल लीजिए स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन, उसमें हेडिंग है रीअरेंजमेंट है ना। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन टॉपिक डाल लीजिए, ये लिख लीजिए और उसका पहला है रीअरेंजमेंट। हाँ लिख लिया ये वाला, एक मिनट। हेलो स्टूडेंट, कैन यू हियर मी अगेन? यस सर। अच्छा ये आप देखिए रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के लिए क्या देखना है, घबराइए नहीं, अभी सब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। रीअरेंजमेंट के लिए क्या करना है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। पहली बात पहले ये लिखो जल्दी से, और हमें दूर नहीं जाना, 1-2 1-2 एडजेसेंट कार्बन को चेक करना, 1-2 1-2। ओके स्टूडेंट, हाँ अगल बगल ही में होगा, बस एडजेसेंट से ही रीअरेंजमेंट हो सकता है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, लिख लिया? एक मिनट सर। हाँ लिखिए। अब देखो जैसे सुनो अच्छे से, सारे लोग मिल के बताओ, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, हाँ जाना जल्दी बताओ। यस सर। रीअरेंजमेंट किसमें होगा, प्राइमरी सेकेंडरी में, टर्शियरी अगर है तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वो खुद का स्टेबल है। समझ में बात आ रही, जिस रिएक्टेंट में प्राइमरी, हाँ ये सब दिमाग। अब देखो क्या देखना है, 1-2 1-2 चेक कर लेना, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, इसको कहते हैं 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। देखिए टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, बोलिए बोलिए, तो शिफ्ट रीअरेंजमेंट से फायदा हुआ कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। बोलिए ना सब लोग। यस सर। यस सर। हाँ तो ये अब टर्श, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन था, अब ये टर्शरी हो गया, टर्शरी हो गया। आगे बढ़ें। एक मिनट। हेलो एजे, समझ में आ रहा है एजे? यस सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ आगे बढ़ें। Yes, sir. जिसको ऑर्गेनिक करना, जो जो इस बैच में छूट गया, कल 2:30 बजे शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक, इसको करना कर सकते हैं 2:30 PM पे। जैसे जान भी हैं अब्दुल हन्नान, इन्हों का बहुत छूटा रहता है, करना चाहें तो कर सकते हैं, खैर आपकी मर्जी, मेरा काम है। हाँ ओके, आप सुनो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, देखो गौर से सुना, कैसे प्रोडक्ट बनाना, अल्फा बीटा, बीटा पर कोई हाइड्रोजन है, हाँ या ना जल्दी बताओ। नो सर। नो,
तो स्टूडेंट ये कहेगा अरे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नहीं, तो चूंकि ये रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है वो मैं लिख भी दूंगा, तो तुम क्या करो रीअरेंजमेंट करा दो, OH हटेगा तो ये बताओ प्लस चार्ज आएगा, हाँ या ना जल्दी बता दो। अब तुम रीअरेंजमेंट कराओ, देखो अब जाके प्रोडक्ट बनेगा, ये है हीरो ग्रीस को, इसलिए कहते हैं ना कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा, तो देखो दो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड मेजर आपको सेज़फ के मुताबिक लेना है। अब बताओ सबको समझ में आया, देने को कुछ दे रहा है, कुछ स्टूडेंट को कुछ लगता है कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन देखो प्रोडक्ट बन गया कि नहीं, ये मेजर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर, अंडरस्टैंड एवरीवन। हां, अब ये देखो मैं लिख देता हूं तुमको एक लाइन, रीअरेंजमेंट तो कहीं पर भी हो, यहां पर भी हो सकता था, ये टर्शरी था नहीं हुआ, यहां पर भी हो सकता था लेकिन फायदा नहीं है। देखो कैसे फायदा नहीं, देखो डायरेक्ट समझो, यहां पर कौन सा चार्ज है जल्दी बताओ, पॉजिटिव है? यस आप बताओ, अरे बताओ ना सारे लोग, पॉजिटिव है ना? अब 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी करोगे तो सेकेंडरी का सेकेंडरी ही बनेगा, तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया, वो मैं अभी प्रैक्टिस करा दूंगा, घबराइएगा नहीं। जहां रीअरेंजमेंट के चांसेस हो, यहां पर देखो अगर तुम दोबारा समझो प्लस हो गया, तो इसलिए जहां कार्बोकेटाइन होता है वहां जब कॉन्फिडेंस रहे तभी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, थोड़ा सा लोचा हो रफ में कार्बोकेटाइन बनाओ, देखो एच यहां चला जाएगा तो बतवा बराबर होगा, सेकेंडरी का सेकेंडरी ही बनेगा कि नहीं बोलो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहां पर डायरेक्ट मैंने प्रोडक्ट बना दिया, ये ऑलरेडी टर्शियरी अल्कोहल था इसीलिए। तो आपको यहां पर समझना है, इफ, गौर से सुना, इफ प्राइमरी अल्कोहल हैज नो बीटा हाइड्रोजन देन प्रोडक्ट, ये ट्रिक्स याद रखो, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड थ्रू द रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। बताओ गौरव साहू आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो बताइए। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर, यस सर। अरे गौरव जी, आप गौरव जी बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं गौरव जी? यस सर, यस सर। हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पर इसलिए प्रोडक्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे स्कूल लेवल पर ज्यादा चांसेस हैं कि विदाउट रीअरेंजमेंट ही देगा, लेकिन आपके सिलेबस में है, ये पढ़ना है, इसलिए आपको बताया गया। और एक जगह पढ़ लिया ना तो आपकी इतनी प्रैक्टिस इसी चैप्टर में हो जाएगी एल्कीन में कि आपको फिर टफ नहीं लगेगा। 12th में तो हर चैप्टर में रीअरेंजमेंट है। तो कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कार्बो, हाँ ये लिख लिया, ये लिखिए जल्दी से, आप सारे लोग ध्यान दीजिए सर। हाँ बोलिए सर। प्राइमरी और सेकेंडरी सर, सर कैसे वो लिखते हैं कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी है? इसमें किसमें, कार्बोकेटाइन में किसमें? यस सर, मतलब कि प्राइमरी है सेकेंडरी है सर, वो मैं पता नहीं सर, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर? ये तो प्राइमरी का प्राइमरी कार्बोकेटाइन तुम नहीं पढ़े हो, प्राइमरी पता है ना जिस कार्बन पर पॉजिटिव डायरेक्टली टेस्ट हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन है सब पढ़ चुके, तुम कहां रहते हो? कार्बोकेटाइन तुम OH को हटा के बना लो, देखो ये प्राइमरी है कि नहीं, अरे जिस कार्बन पर पॉजिटिव डायरेक्टली टेस्ट हुआ, पढ़े हो ना प्राइमरी, पूरा चैप्टर पढ़े हो यार सर, तुम कहां हो मेरे भाई, ये सब पढ़ नहीं चु, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी फ्री रेडिकल सब पढ़े हो, 10-10 दफा पढ़े हो, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है डायरेक्टली अटैच टू वन, ये सब नहीं पढ़े हो, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, नहीं पढ़े थे GOC में? yes, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है डायरेक्टली 3? यस सर, यस पढ़ चुके, हाँ वही है ना।
जहां प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे, हर जगह नहीं होंगे, हो सकते हैं, हो सकता है प्राइमरी में नहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, सेकेंडरी है तो हो सकता है, टर्शियरी में नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो मोर स्टेबल है। ओके यस सर, कार्बोकेटाइन प्राइमरी सेकेंडरी तो मैं पढ़ा चुका हूं, और यहां देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन जिस कार्बन इसलिए शिफ्टिंग हुई टर्शियरी में चेंज हो गया। आगे बढ़े सारे लोग, आया सबको समझ में? जी सर, यस सर। तो ये बात आपको ख्याल रखनी है, समझा कि नहीं? जैसे आपको कोई कहे CH3 CH3 OH CH2 CH3, कहेगा इसका प्रोडक्ट बनाओ। अब देखो, अब तुम कैसे सोच के प्रोडक्ट बनाओगे, ध्यान दो। पहली बात, रिएक्शन को चेक करो, इलिमिनेशन है हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर है। हाँ, पहले तो चेक करना है ये सब, मैं तो दो दिन पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, फ्राइडे वाले लेक्चर में, फ्राइडे नहीं आज कौन, हाँ फ्राइडे नहीं थर्सडे को, हाँ। तो यहाँ देखो 170 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तो चेक कर लेना ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, अल्किन बनेगा। अब सर ने बताया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में प्रोडक्ट बनाते समय सतर्क रहना है, ये सब बातें आपको एक बैक माइंड में आएंगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अब बताओ, जिस कार्बन पर OH है डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच है, जल्दी बताओ। जी सर। अरे बोलो ना। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो उसका मतलब OH को हटाओगे तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है कि नहीं, बताओ। जिस कार्बन पर पॉजिटिव डायरेक्टली तीन से अटैच है, yes, तो इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बना, कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकेटायन देगा। देखो कैसे देगा, OH को हटा के चेक कर लो। बोलो बोलो बोलो, पकड़ने का तरीका हुआ जब ऑलरेडी प्राइमरी में रिएक्टेंट में ये टर्शियरी अल्कोहल है। ये कैसे पता लगाते हैं, जिस कार्बन पर OH है डायरेक्टली तीन से अटैच है, और टर्शियरी अल्कोहल भी मत चेक करो, OH हटा के चेक कर लो टर्शियरी कार्बोकेटाइन, वो तो आता है ना प्राइमरी सेकेंडरी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन कैसे चेक करते हैं ये सब तो आपको बताया जा चुका है, CH3। अब ये मेजर होगा तो प्रोडक्ट को कैसे पकड़ना है ये ध्यान दे लें सारे लोग। ओके स्टूडेंट, यस सर, यस सर, यस। चलिए तो आगे बढ़ें। यस सर, चलिए। ओके, तो ये दो प्रिपरेशन हो गए, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और तीसरा प्रिपरेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो जल्दी हो जाएगा, वो है तीसरा डिहैलोजनेशन। याद आया, इलिमिनेशन की तीसरी टाइप्स डिहैलोजनेशन मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें सबस्ट्रेट, सारे लोग नोट्स खोल के देख लो, सबस्ट्रेट क्या लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड, रिएजेंट क्या लेते हैं, रिएजेंट क्या लेते हैं जिंक विद हीट, याद करो, देखो नोट्स में लिखा हुआ है, देखो देखो। जी सर, यस सर। हाँ, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, स्टूडेंट के पास कोई बहाना नहीं, कैसे पता चले इलिमिनेशन, तीन रिएक्शन पहचान पता चल गया, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहैलोजनेशन। डिहैलोजनेशन किसका, तो विसिनल डाइहैलाइड का, बाकी किसी का नहीं, याद रखो डिहैलोजनेशन होता है तो विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड इज हीटेड विथ जिंक। सर ये E3 था ना, कौन था, नहीं नहीं ये E2 था, ये भी E2 है, E2 में देखो E1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, E2 में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा विदाउट कार्बोकेटाइन। ओके हाँ, E2 मैकेनिज्म है, इलिमिनेशन की दूसरी टाइप जिसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, वन स्टेप प्रोसेस, वन E2 जो है वन स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस, सारी बातें एक ही, कार्बोकेटाइन जहां बनेगा ऑब्वियसली इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट में का मतलब एक से ज्यादा स्टेप में, इसलिए देखो मैंने मैकेनिज्म बताया ना डिहाइड्रेशन का, तीन स्टेप में हुआ है, देखो देखो। हाँ, तो जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वो E1 होगा, जहां डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा कोई कार्बोकेटाइन नहीं वो E2 होगा। ओके, व्हेन विसिनल डाइहैलाइड इज हीटेड विद जिंक देन एल्कीन इज फॉर्म्ड, एल्कीन इज फॉर्म्ड, एल्कीन इज फॉर्म्ड। एकदम बहुत आसान, इसमें तो एकदम हलवा वाला है, बस देखो देखो एक मिनट देख लो, जिंक हीट दे देगा, तुम समझ जाना, ये तो समझना आपको, पढ़ना खुद है, टीचर बता सकता है सिर्फ मैकेनिज्म, तुमको समझ में आ जाना चाहिए। इलिमिनेशन इस दोनों बिहारी को हटा दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, ZnCl2 बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर।
आपको पहचानना है ऑर्गेनिक, वो लिख लिख कर होगा, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विसिनल डायहैलाइड, तीन एलिमिनेशन, ये 11th में भी, 12th में भी, 13 क्लास में भी, हर जगह तीन एलिमिनेशन आओ, इसी में और नॉलेज सब डिटेल है, क्योंकि 11th में, बाकी आप 12th में भी पढ़िएगा दोबारा, ये सब 12th में और डिटेल में आएगा। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगर मैकेनिज्म सीखना चाहें ये आगे डिस्टर्ब करने के लिए, जल्दी करें, एक मिनट दो मिनट करती रहती हैं ये, अल्लाह रहम करे इन पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो, जल्दी करें प्लीज। आगे हाँ ओके थैंक यू। मैकेनिज्म में ये है, देखो ZN का क्या काम है, ZN क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तुम पढ़ चुके हो CH2 Cl है, हीट करेंगे, समझा कि नहीं, तो एक बात बताओ तो के हाँ ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो देखो Cl जब टूटेगा, इलेक्ट्रॉन जब गया तो भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना कार्बन पर, वो कहेगा हटो तुम, हमारे पास नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बताओ पॉजिटिव हुआ Cl की जाने की वजह से पॉजिटिव हुआ, और जब दो इलेक्ट्रॉन हो गया, मैंने बताया था ना कार्बनाइन बनता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, वन इलेक्ट्रॉन से फ्री रेडिकल है, टू इलेक्ट्रॉन से बनता है कि नहीं, yes, बोलिए हाँ, अब फिर बताओ जहां पर भी नेगेटिव आता है वो प्लस आई इफेक्ट एग्जर्ट करता है, ये फिर भागेगा, तो इसलिए डबल बॉन्ड बन गया। तो मैकेनिज्म आपको आएगा नहीं, ये आपको समझाया गया, समझ रहे ना, और ये ऐसे नहीं हटता, इसको कहते हैं ये, मैं तो ऐसे समझा रहा हूँ ना, ये सब 12th में पढ़ना, चूंकि आप आइसोमर पढ़ा नहीं है, ऐसे होता है, इसको कहते हैं एंटी इलिमिनेशन, दोनों रिमूवल ग्रुप अपोजिट साइड में होना चाहिए, चूंकि दोनों एक साथ जो निकलेगा ना तो टकरा जाएगा रास्ते में, इसको कहते हैं एंटी इलिमिनेशन, एंटी इलिमिनेशन, एंटी, दोनों रिमूवल ग्रुप सेम साइड से नहीं निकलेगा, डिड यू अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। तो मैंने वही कहा ना, जी और नीट का ये मतलब नहीं है कि आप 11th पढ़ के निकाल, पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप आइसोमर पूरा पढ़ा ही नहीं है, समझ रहे ना मेरी बातें, ये सब कहां 12th में पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सब्र करना है, बेसिक बहुत मजबूत करना, बहुत ज्यादा, ये सब 12th में है, पूरी चीज 11th में नहीं पढ़ाई जा सकती, समझा। चलिए लिखें, आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल जो मेन है वो तो 12th में है, तो इसको कहते हैं एंटी इलिमिनेशन, पहले लिख लीजिए, ये बेसिक मजबूत रहेगा, तो आप कहीं भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ें, जब आपको मालूम ही नहीं होगा इलिमिनेशन क्या, तो आगे का फंडा तो छोड़ ही दीजिए, तो फंडा मजबूत करना कि हम ऑर्गेनिक में कैसे पहचानेंगे ये इलिमिनेशन है, तो डिहाइलोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, ये सब है कि रिएक्शन को देखकर पता चले कि यहाँ इलिमिनेशन है, अल्किन बनेगा। आगे बढ़ें, बताइए जी सर, आपको कोई भी इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना है, कोई इसमें सेज ऑफ रूल की बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बीटा हाइड्रोजन की बात ही नहीं है, अब जैसे दे दिया अच्छे स्टूडेंट की पहचान है, उसको देखकर ही दिमाग में खुजली होने लगेगी, वो क्या खुजली है कि Cl को हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, यस सर, यस। तो तीन प्रिपरेशन हो गई, बोलिए हाँ या ना। अब चौथी प्रिपरेशन है, बहुत आसान, लेकिन इस पर थोड़ी सी PhD करनी है आपको, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट बताया जा रहा है आपको। आगे बढ़े तो बताइए। यस सर। तो मैंने आपसे वादा किया था कि देखिए चौथा, हाँ ये लिख लिया आप लोगों ने, कोई गौरव साहब कुछ कह रहे हैं आप? यस सर, लिख लिया गौरव जी आपने, लिख लिया? यस सर। आप देखिए टॉपिक डालिए चौथा, चौथा आसान है, रिडक्शन ऑफ अल्काइन। आप सुनिए इसको अच्छे से समझिए, तीन केस है रिडक्शन, और इसको आपने 11th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड करना, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, समझा, आपने 11th में होगा अल्किन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो अल्किन बनता है, अल्काइन में करते हैं तो अल्कीन बनता है, ये सब आपने
पढ़ा होगा। अरे बोलिए ना। यस सर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, इसका तीन केस है, तीनों में रिजल्ट अलग अलग है, क्योंकि रिडक्शन ऑफ अल्काइन पूरी तरह पीएचडी की अल्काइन का रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन तीन तरह का होता है। केस फर्स्ट, अब लिखिए सारे लोग, व्हेन अल्काइन इज रिड्यूस्ड विथ H2 विथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, विथ निकिल या प्लैटिनम या पैलेडियम, समझा? तो गिव्स अल्कीन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यहाँ देखिए, आगे बढ़े, बहुत आसान है ये, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। आपको एग्जामिनर क्या देगा? सर, एक मिनट। अल्कीन नहीं, यहाँ पर अल्केन बनेगा, सॉरी फॉर दैट, गिव्स अल्केन, सारे लोग चेंज कर लीजिए। हाँ, अल्काइन हमने लिखा ना, हाँ मैं समझ रहा था अल्कीन है, अल्केन बनेगा, लिख लिया सारे लोग? हाँ पहले चेंज कर लिया, अल्केन लिख लिया सारे लोग, देख लीजिए बाद में कंफ्यूजन ना हो, लिख का हाँ चलिए ठीक है। हर्षित, मानस, विन, मानस जोशी, सब लोगों ने लिख लिया अल्केन? यस। हाँ यस। अब देखिए, हाँ तो सर आप अल्कीन पढ़ा रहे हैं, अल्कीन मैं तीन केस पढ़ा रहा हूँ कि कभी भी केमिस्ट्री में अल्काइन का पूछा जाए तो तीन केसेस होती हैं। H2 है, इसमें दो मोल ऐड होगा। अब यहाँ पर एग्जामिनर निकिल या प्लैटिनम या पैलेडियम दे देगा, आप समझ जाएंगे रिडक्शन है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लो CH3CH3। अगर डबल बॉन्ड, देखो ये 9th 10th में नहीं पढ़े लखमीर सिंह मनजीत कौर में, बताओ CH3CH3 बन जाता था, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना, निकिल या प्लैटिनम या पैलेडियम पढ़े होगा ना, ये हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाँ, अब अल्काइन में दो मोल होगा, अल्कीन में एक मोल ऐड होगा, यहाँ दो मोल, चूंकि दो डबल बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। CH3 CCH3 +2H2 है, कुछ नहीं करो, सिंपल CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। तो पहला तो आसान है, निकिल या प्लैटिनम या पैलेडियम। अच्छा तुम कहोगे कि सर ये निकिल प्लैटिनम का क्या काम है, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, ये सरफेस प्रोवाइड करता है, मैं बता देता हूँ मैकेनिज्म, बताओ निकिल इलेक्ट्रॉन दो लॉस करेगा, क्योंकि निकिल Ni+2 होता है, देखो CH3। हाँ देखो अब बताओ तुम लोग रिडॉक्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन कहलाता है कि नहीं, अब बताओ सारे लोग, कहलाता है ना? यस सर। हाँ तो बस निकिल प्लैटिनम का मतलब है इलेक्ट्रॉन सरफेस प्रोवाइड करना। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर ये भी नेगेटिव, या ऐसे भी समझ सकते हो नेगेटिव हो गया, तो डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, नेगेटिव हो गया, अब फिर हाइड्रोजन आके सरफेस पर देखो सेम साइड से एड हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो फिर बताओ CH2 सिंगल CH2 नेगेटिव होगा, दो मोल मैंने H2 लिया है, फिर यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो CH3 CH3 बन जाएगा। ये बहुत आसान है, समझ रहे ना आप? हाँ बोलिए सर, ये प्लस माइनस एक बार बता दीजिएगा सर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में इलेक्ट्रॉन, भाई ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके सर, ये लिया तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जी सर, ओके, हाँ ओके। और सर ये दोबारा दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए सर? ये ऊपर सामने है ना, निकिल दो इलेक्ट्रॉन दिया ना सर, दो ही तो देगा सर, Ni+4 थोड़ी होगा सर, दो इलेक्ट्रॉन फिर आए ना सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बाद। अरे निकिल इसमें रखा हुआ ना, निकिल एक मोल है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देगा, अरे ओके सर, ओके सर, वन मोल है, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, ओके, यस सर, आगे, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, आगे बढ़े सर, लिखने दीजिए सर, हाँ लिखिए, इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर लीजिए, मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और मार्कोनी का रूल जो अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार दो क्लास अभी अल्कीन पर होगा, अल्काइन में छोटा, बहुत जल्दी खत्म होगा, समझा?
फ्राइडे तक इंशाल्लाह या ज्यादा से ज्यादा अगले मंडे तक ये पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म, मैक्सिमम मंडे हम लेके चलना है एक्स्ट्रा, उसके बाद मैं आइसोमर पार्ट पढ़ा दूंगा, अपना गौरव का पूरा मेन टॉपिक सब खत्म हो जाएगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ आना जल्दी बताएं। एक मिनट सर। तो केस फर्स्ट था, सारे लोग बताओ अल्काइन का रिडक्शन का केस फर्स्ट क्या है, जल्दी बताओ केस फर्स्ट क्या है। निकिल प्लैटिनम पहला डीएम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन। ओके स्टूडेंट बोलो ना। चलिए आगे बढ़े, केस सेकंड लिखें। यस सर। केस सेकंड ये है, सारे लोग ध्यान दीजिए। लिंडलार्स कैटलिस्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ना जाने क्यों। कैटलिस्ट का क्या नाम है जल्दी बताओ? लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट। यस, इसमें पहले पहला डॉट दो। पहले यहाँ तक बताओ, लिख लिए तो बताओ। यस सर। एक मिनट सर। हाँ, पहला पार्शियली डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोकने के लिए उसमें चारकोल पॉइजन वगैरह मिला दिया जाता है। देखो लिंडलार्स कैटलिस्ट को डोनेट करने का तरीका पीडीसी, दूसरा तरीका पीडी विथ बीए SO4 पॉइजन होता ये सब, या तीसरा तरीका आपको लिख देगा पीडी CaCO3 प्लस एक कंपाउंड होता है क्यूनोलिन। मैं इसलिए दिखा रहा हूं तीनों एक ही चीजें हैं, तीनों का काम एक ही है लिंडलार्स कैटलिस्ट। हो सकता है एग्जामिनर ये दे दे, हो सकता है एग्जामिनर ये दे दे, हो सकता है। होता क्या है, पैलाडियम कैटलिस्ट है, और से सुने अच्छे से, कि अगर हम अल्काइन लिया पैलाडियम के प्रेजेंस में लिया तो आपको अभी देखा प्रोडक्ट, हाँ यहाँ देखें अल्केन बनेगा। लेकिन अगर हम पीडीसी दे दिया तो अब अल्कीन बनेगा, जो हम लोग इस चैप्टर के लिए पढ़ेंगे अल्कीन की प्रिपरेशन। क्यों? पॉइजन्स क्या होता है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है। पॉइजन नुकसान नहीं है ऑर्गेनिक में, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है। हमें मेन मकसद है कि भाई हमें हाइड्रोजनेशन से बना तो उसमें पॉइजन। पॉइजन्स क्या करता है, जैसे आप खुद सोचिए हमारे बॉडी में देखिए एंजाइम्स, हम ड्रग्स लेते हैं वो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है, वो पॉइजन हुआ। इसलिए डॉक्टर मशवरा देता है प्रोमोटर लो, उसको कहते हैं को एंजाइम, ऑर्गेनिक में कहते हैं को एंजाइम, जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाए, उसको इनऑर्गेनिक में कहते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर जैसे अमोनिया हाइबर्स प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट लेते हैं, उसके साथ मोलिब्डेनम मिला देते हैं, जो आयरन की एक्टिविटी को फर्दर बढ़ाता है, जिससे रिएक्शन की रेट और ज्यादा हो जाती है। अपने बॉडी में एंजाइम्स हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है, कहते हैं ना आयरन की कमी है, आयरन लीजिए, कैल्शियम लीजिए, फलाना लीजिए, डॉक्टर मशवरा देता है ना। अरे बोलो भाई, कोएंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आप ड्रग्स लेंगे, आप नशा करेंगे तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को घटाएगा, आप सेहतमंद नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर भाई पहला डीएम के साथ चारकोन मिला दो, BSO4 मिला दो, तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम होके अल्कीन तक रिएक्शन रुक जाएगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जी सर। यस सर। हाँ, अब सुनिए, तो इसलिए याद रखना है
कि ये निनास कैटलिस्ट को दिखाने का तरीका ऑर्गेनिक में तीनों सही है, पीडीसी दे दे ये भी सही है, ये दे दे ये भी सही है, ये भी सही है। अब सुनिए, ये लिख लिया ये स्लाइड आपने, कुछ तो बोलिए आप लोग। नो सर। यस सर। लिखिए लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। लिखिए तो वो नेक्स्ट स्लाइड फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड क्या बताना है आपको? फिर से एक्सप्लेन कर सो क्या एक्सप्लेन उसमें कैटलिस्ट एक्टिव है। बोलिए। जहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है वो वाला रिएक्शन थोड़ा सा। हां तो मैंने वही तो कहा ना कि पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोक देगा तो एल्कीन तक ही बनेगा। ओके सर समझ गया। तो मैंने वही मिसाल दिया कि से एंजाइम आप तो वो एंजाइम का एग्जांपल दे रहे थे ना कि जो वो तेज कर। हां हमने कहा प्रोमोटर आयरन की एंजाइम की एक्टिविटी को जो बढ़ाता है उसको ऑर्गेनिक में प्रोमोटर कहते हैं और या कोएंजाइम्स कहते हैं। भाई एंजाइम हम लोग के अंदर बॉडी में है ना, एंजाइम्स कहाँ yes. थे तुम सुनने नहीं थे क्या? एंजाइम्स की एक्टिविटी को जो बढ़ाता है उसको कोएंजाइम्स कहते हैं या प्रोमोटर कहते हैं, और एंजाइम की एक्टिविटी को जो घटाता, जैसे हम लोग ड्रग्स को ड्रग्स तुम ड्रग्स लो नशा करोगे तुम्हारी एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी कि नहीं? यस सर। उसी को कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर, पॉइजंस। ओके, पॉइजन क्यों मार देता, पूरा को मार देता एंजाइम सबको। उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं तुम कहां समझे यार, इनऑर्गेनिक में प्रोमोटर होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर हम कैटलिस्ट के साथ साथ कोई पॉइजन डाल देंगे तो कैटलिस्ट के काम करने की टेंडेंसी को रोक देगा। तो यही आपने अल्काइन का पैलेडियम लीजिएगा तो अभी आपने पढ़ा ना इथेन बनेगा yes. और यही अगर पैलेडियम के साथ चारकोल मिला दीजिए या तीनों में से कुछ भी मिला दीजिए तो अब ये अल्कीन तक ही बनेगा। सुना? पॉइजन। समझ गया सर। यस सर, थैंक यू सर। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सारे लोग, इसको कहते हैं पार्शियल रिडक्शन। क्या कहते हैं, कौन सा रिडक्शन? पार्शियल रिडक्शन। कोई ऐसे पूछे अल्काइन का रिडक्शन क्या देता है, ये अल्केन, लेकिन पार्शियल रिडक्शन अल्कीन देता है। द पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। गौरव जी आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडाइज चारकोल या वही PDBSO4 प्रोड्यूसेस अल्कीन। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा अल्कीन? अगर अल्कीन देगा भी, अगर पॉसिबल होगा तब सिस अल्कीन। मैं बता दूंगा सिस क्या होता है, अल्कीन भी देगा और अगर आइसोमर पॉसिबल होगा तो सिस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये आपके स्कूल के एग्जाम में भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अल्कीन भी अल्कीन है, अगर आइसोमर पॉसिबल है तो सिस देगा। कैसे वो मैं बता रहा हूं आप। लिख लिया सारे लोग? अब देखिए आपको पीडीसी दे दिया तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन ऐड हुआ यहां अल्कीन बना है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको कहते हैं पार्शियल रिडक्शन। PDBSO4 में हर तरह का दिखा रहा हूं, कुछ भी दे दे, PDC दे दे, प्रोपीन बनेगा। बताओ सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. लिख लो जल्दी से। इसको कहते हैं पार्शियल रिडक्शन। तो अल्कीन की प्रिपरेशन का तरीका यही है कि अल्काइन का तुम पार्शियल रिडक्शन करा दो। लिख लिया तो बताइए। अब सुनो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 है, H2 है, आपको एग्जामिनर कहेगा प्रोडक्ट बना दो, बस डबल बॉन्ड कर दो CH डबल बॉन्ड CH। बताओ हाँ या ना?
यस सर। अच्छा ये ब्यूटुइन है, अब यहाँ पर आइसोमर पॉसिबल होगा, इसको कहेंगे सिस ब्यूटुइन। सिस आइसोमर तुम पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन के बाद में पढ़ाऊंगा। देखो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऊपर हो गए, देखो दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड होता है ना, उसको सिस आइसोमर कहते हैं। ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन के बाद पढ़ाया जाएगा। समझ में बात आई? तो इसको कहते हैं सेम साइड को सिस कहते हैं और अपोजिट साइड को हम ट्रांस कहते हैं। कन्फ्यूग्रेशन चेंज, दोनों की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है। दोनों ब्यूटीन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो दो ग्रुप सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड होता है तो उसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? सिस। सिस। हाँ, अब कोई कहेगा सर यहाँ पर सिस क्यों लिखा, यहाँ आइसोमर पॉसिबल नहीं है। जब तभी पॉसिबल होगा कि जब डबल बॉन्डेड पर डिफरेंट ग्रुप हो, एच सी एस थ्री, दो एच सी एस थ्री, दो अलग अलग ग्रुप है कि नहीं जल्दी बताओ। एच सी एस थ्री यहाँ पर भी है, एच सी एस थ्री अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, दोनों हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप हाइड्रोजन ही है तो नहीं हो सकता। यहाँ दोनों एक भी कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हो जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी सिस ट्रांस नहीं बनता है, ऐसे समझो। समझा? यहाँ पर डबल बॉन्ड पर एच सी एस थ्री, यहाँ पर भी एच सी एस थ्री, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ग्रुप डिफरेंट है तो वहां सिस और ट्रांस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटुइन, ठीक है, आया समझ में? हाँ या ना? यस सर। उसका आइडिया यह है, उसका रीजन यही है कि एच टू जो है वो सेम साइड से ऐड होता है, जब सेम साइड से ऐड होगा तो सिस बनेगा, अपोजिट साइड से ऐड होता ना तो ट्रांस बनता। ओके स्टूडेंट? यस। ये इंपॉर्टेंट है, आगे पर है। यस सर। अब आओ केस थर्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए भी कंपटीशन के लिए भी। हम लोग अल्काइन का तीसरा डेट है, इसको कहते हैं बर्च रिडक्शन। एनसीईआरटी में बर्च रिडक्शन नाम नहीं है, रिएक्शन है, मैं आपको बस लिख दिया हूं, आपको याद रखिएगा। हाँ, लेकिन रिएक्शन आपके सिलेबस में है, नाम आपको नहीं लिखा है। अब देखो बर्च रिडक्शन का क्या मतलब हुआ, लिखो, लिखना शुरू करो। व्हेन इंटरनल अल्काइन, व्हेन इंटरनल अल्काइन इज रिड्यूस्ड विथ Reduced with sodium and liquid ammonia. देखो यहाँ reducing agent है metal. देखो तीन cases आपको मैं पढ़ा रहा हूँ. Gives trans alkene. कौन सा alkene? Trans alkene. Trans alkene. Trans का मतलब दो similar group opposite side में होगा. Okay? जी sir. अब कैसे बनता ये समझो अच्छे से. तो alkyne का reduction तीन cases में हुआ. एक है निकिल पैलेटिनम पैलेडियम, अल्केन बना, पार्शियली रिडक्शन हुआ, अल्कीन बना। अगर आइसोमर है तो सिस भी बन सकता है, लेकिन ऐसे पूछे अल्कीन, यहाँ क्या है ट्रांस अल्कीन, इसको कहते हैं बर्च रिडक्शन। आगे बढ़े, यस सर। यस सर। अच्छा आप देखो बहुत आसान है, ध्यान देना अच्छे से। पहली बात, अल्काइन दो तरह का होता है, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन का मतलब याद रखो जिसमें लास्ट कार्बन पर हाइड्रोजन हो, इसको कहते हैं टर्मिनल कार्बन। और एक होता है इंटरनल, इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं होगा। बताओ है क्या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन पे हाइड्रोजन है? नो सर। याद रखना जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन। जैसे ये बताओ ये क्या टर्मिनल है कि इंटरनल है, बताओ टर्मिनल अल्काइन कि इंटरनल? सर टर्मिनल। अच्छा तुम लोग जीओसी पढ़ चुके हो इसलिए अल्काइन में पढ़ोगे, ये एसिडिक होता है, माइनस आई इफेक्ट है ना, एसपी हाइब्रिडाइज्ड है माइनस आई। ये इसमें माइनस आई तो है लेकिन एसिडिक नहीं है, क्यों? कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं कि वो एच प्लस देगा,
इसलिए आप पढ़िएगा अल्काइन्स इज एसिडिक इन नेचर, ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, सॉल्ट बना लेगा लेकिन अल्किन नहीं बनाएगा। आपको आप ये क्वेश्चन का पार्ट है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्किन एंड अल्काइन केमिकल टेस्ट प्रैक्टिकल, ये देता है स्कूल के एग्जाम में। ये नहीं कहना कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड उसमें डबल बॉन्ड, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की तरह ऐसा रिएक्शन लिखना है जिसमें पता चले कलर का पेयर सोना गैस का बनना, तो वो यही है जो आपको बताया जाएगा। तो याद रखें इंटरनल टर्मिनल अल्काइल का मतलब क्या हुआ, टर्मिनल हाइड्रोजन हो, टर्मिनल हाइड्रोजन हो मतलब पहचानने का तरीका सी एच हो इसमें, और इसमें नो टर्मिनल हाइड्रोजन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो बताओ बर्च रिएक्शन कौन देता है, टर्मिनल अल्काइन की इंटरनल अल्काइन, जल्दी बताओ। हाँ चलिए आगे बढ़े। यस सर। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो मैकेनिज्म से पता। हाँ एक बार पीछे वाले दिखा दो। आगे बढ़े हैं। यस अब देखो मैकेनिज्म में मैकेनिज्म जानना जरूरी इसलिए है, देखो सारे लोग सोडियम के प्रेजेंस में हुआ तो मैं ये मुझे बताना है कि ये ट्रांस क्यों देगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करा, हाँ या ना जल्दी बताओ। यस सर। अब आपके पास सारे लोग देखो ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे ऐसे एरो करो इसलिए कहा गया इंटरनल, चाहे एरो ऐसे करो या ऐसे करो बतवा बराबर है, बताओ यहाँ कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा। अब यही एक इलेक्ट्रॉन ऐड जब पॉजिटिव पर करता है तो मैं पढ़ा चुका हूँ फ्री रेडिकल बनता है। अब बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना जल्दी बता दो, पहले यहाँ तक बताओ सारे लोग हाँ या ना। अरे यार कोई बोल yes, नहीं रहा। यस सर। यस सर। अब गौर से सुनो अच्छे से, मैकेनिज्म इसलिए बताई गई कि कोई तुमसे पूछेगा ना इलेक्ट्रॉन पर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है, अरे बोलो ना। कार्बन पर नेगेटिव, फ्री रेडिकल पर नेगेटिव, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यस सर। यस सर। तो दोनों में रिपल्शन होगा, ये रिपल्शन को कम करने के लिए ये अपने आप को अपोजिट साइड में और अपने आप को ओरिएंट कर लेगा अपोजिट साइड में, अपने डिस्टेंस को बढ़ा देगा। सेम साइड में रिपल्शन ज्यादा होता है, 180 पर रिपल्शन कम होगा, इसलिए इसमें ट्रांस बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हल्के में नहीं लेना है, समझा। वहां अल्किन लिखा गया और अगर पॉसिबल होगा तो सिस अल्किन बनेगा, यहाँ पर डायरेक्ट अल्किन नहीं बोलना है, सोडियम वाले में कहना ट्रांस अल्किन बनेगा। तो मैकेनिज्म से ही बात कर, तो टू मिनिमाइज द रिपल्शन, क्योंकि रिपल्शन से स्टेबिलिटी घटती है, समझा कि नहीं। जी सर। हाँ टू मिनिमाइज द रिपल्शन, लिखना शुरू करें टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल दे ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर ओरिएंटेड। ये कंसेप्ट सबको समझ में आया, हाँ या ना? आया सर। इन अपोजिट डायरेक्शन,
to minimize the repulsion between negative charge and free radical, they are oriented in opposite direction. सबको समझ में आया, इसलिए इसमें ट्रांस अल्कीन बना. अब कोई भी पूछेगा समझ में आ जाएगा, बर्च अल्काइन का रिएक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ होता है तो ट्रांस अल्कीन क्यों बनता है. ये सबको समझ में आ गया हाँ या ना, जल्दी बताओ. अब कोई कहेगा लिक्विड अमोनिया क्यों डाला, अब सुनो अच्छे से. ये तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक. यस सर. एवरीवन ने नोट कर लिया, खासकर आसिया और ये गौरव साहू. यस सर. एक सेकंड सर. आगे बढ़ें. अब आपके पास था आर सी फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड सी पे नेगेटिव आर. अब देखो लिक्विड अमोनिया एच प्लस देगा, ये एच प्लस देगा, इस पर लग जाएगा. तो समझे, लिक्विड अमोनिया क्या देगा, एच. फिर ये सोडियम, सोडियम क्या देगा, यानी इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना. फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सी पर माइनस, क्योंकि फ्री रेडिकल था, दो इलेक्ट्रॉन मिलके फ्री रेडिकल. फिर लिक्विड अमोनिया के साथ मिलकर आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच बना. ये लिखा जाएगा इसी तरह, लेकिन बोलना ये ट्रांस अल्कीन है. समझा हाँ या ना, जल्दी बताओ. जी सर. यस सर. मैकेनिज्म आएगा नहीं, ये सिर्फ आपको सिंपलिसिटी के लिए बताया गया है कि आपने ट्रांस अल्कीन क्यों लिखा, उसकी वजह मैंने आपको बता दी ड्यू टू मैकेनिज्म. जैसे अगर आपको दे दिया सी एस सी. हाँ बोले सर. थोड़ा सा बजा था सर. निकलिया सारे लोग. हाँ, Yes, sir. तो आप इतनी दफा आपको पढ़ लेना है कि आपको ये पता चले यहाँ पर H ऐड कर देना है और आपको बोलना ये ट्रांस ब्यूटुइन है. आप स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ये आएगा अपोजिट साइड. समझ में बात आ गई हाँ या ना, लिख लो. चलो ये पूरी, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. चार मेथड था, चारों में टाइम इसलिए लगा कि चारों नई चीजें थी. समझ में बात आ रही है कि डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और अल्काइन का तीन केस मैंने बता दिया. एक पार्शियल रिडक्शन से अल्कीन बनता है और सिस बनता है, और बर्च रिडक्शन से भी अल्कीन बनता है, लेकिन निकिल प्लैटिनम पैलेडियम डाल दीजिएगा तो अल्काइन अल्कीन दे देगा. तो अल्काइन का तीनों केस सबको समझ में आ गया हाँ या ना, जल्दी बता. आ गया सर. अब नई बातें सीखो सारे लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज अगेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज. अच्छा एक मिनट सुनो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया हाँ या ना, जल्दी बताओ. सर एक सेकेंड, पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिए. ओके सर. हो गया. ओके
आप देखें हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट, आप सुनो अच्छे से, इथेन टू इथीन, एक तो हर ऑर्गेनिक में कन्वर्जन देगा आपको, तो सैचुरेटेड मैंने आपको ये सिखा चुका हूं लोअर एल्केन टू हाईर एल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हैलोजनेशन करवाओ उसके बाद गुड्स रिएक्शन करा दो, याद है ये लाइन? यस सर। अब आओ अल्केन को अल्कीन में, किसी भी अल्केन को अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो CH3 CH3 है, इसमें भी पहला काम हैलोजनेशन कराओ, CH3 CH2 Cl। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बताओ? यस सर। अब फिर अल्कोहलिक केस डीहाइड्रो हैलोजनेशन करा दो, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, दिस इज स्टाइल यू नो, ये कन्वर्जन हो गया, बताओ एनी प्रॉब्लम? टू स्टेप प्रोसेस। अरे यार कोई बोल ही नहीं, yes, कुछ तो बोलो यार, हाँ कुछ तो बोल दो, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बताओ? तो बताओ किसी भी अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करने में के लिए कितने स्टेप की जरूरत होगी? दो। yes, पहला हैलोजनेशन, फिर क्या कराओगे? इलिमिनेशन। क्या कराओगे बताओ? इलिमिनेशन, एलिमिनेशन, पहले हैलोजनेशन फिर एलिमिनेशन। ओके स्टूडेंट, या यस सर, या ओके। अब तुम्हें कोई कहेगा प्रोपेन को प्रोपीन में कन्वर्ट करो, तो सारे लोग बताओ पहला स्टेप क्या करोगे? हैलोजनेशन, हैलोजनेशन, समझे? BR2 अल्ट्रावायलेट है तो मेजर प्रोडक्ट बनाओ, अब फिर क्या करा दो? डीहाइड्रोहैलोजनेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। ये सब भी क्वेश्चन आएंगे आपको, चले आगे बढ़ें। सर दो सेकंड सर। देख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, यस सर, लिख लिया? जी सर। चलिए आप आइए, टॉपिक डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अब इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए सारे लोग, समझिए अच्छे से, कोई भी पूछे अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? सबसे पहली बात ये सुन लो, yes, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रैकेट में लिख देता हूं अल्कीन है या अल्काइन है, सुनो अच्छे से सारे लोग, उसने कोई रिएजेंट ऐड कर रहे हो तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज होगा, ऑर्गेनिज्म में इस रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं, उल्टा इलिमिनेशन का उल्टा है, तो एडिशन तुम पढ़ चुके हो, रिएजेंट इज एडेड अराउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, याद रखो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो एडिशन रिएक्शन, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना है तो इलिमिनेशन। इस चैप्टर को पढ़ने में पहले तो ये माइंड क्लियर कर लो कि अल्कीन और अल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम तुमको GOC में पढ़ा चुके हैं चाहे अल्कीन हो या अल्काइन हो, ऑर्गेनिक में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कोई भी ऑर्गेनिक में पूछे अल्कीन और अल्काइन कौन सा रिएक्शन शो करता है तो 9th-10th का बच्चा बोलेगा एडिशन रिएक्शन। अब आप 11th में हैं तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज अल्कीन और अल्काइन आर देमसेल्फ न्यूक्लियोफाइल, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो वहां कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। यस सर। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल है जी, तो बताइए
तो आपने पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म सीखना है इस चैप्टर में, एलिमिनेशन पूरा पढ़ लिया, आज आप नई रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कोई भी ऑर्गेनिक में पूछे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑर्गेनिक में कौन सा कंपाउंड शो करता है, तो आप कहिएगा एल्कीन एंड अल्काइन। ये न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन शो नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो इट इज रिपेल बाय द पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात, इसलिए मैं आपको ऑर्गेनिक में आज आप जो पढ़ेंगे एल्कीन का जो मेन रिएक्शन, और रिएक्शन है एडिशन के अलावा और सब रिएक्शन शो करता है, लेकिन एल्कीन का मेन रिएक्शन है, चाहे मैं इसलिए कह रहा हूँ एल्कीन पढ़ेंगे, अल्काइन समझ लिया ऑटोमेटिक पढ़ने जा पढ़ रहे हैं। देखिएगा अल्काइन की प्रिपरेशन 5 मिनट भी नहीं लगेगा, अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी समझिए कि आप इंटरनली पढ़ रहे हैं, एल्कीन को पढ़ने का मतलब आप अल्काइन भी पढ़ रहे हैं। तो कुछ तो बोलिए, आप लोग गवाही तो दीजिए। जी सर। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। ये एक्स वाई सर एक बार ये समझा देंगे सर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एक्स वाई ऐड करोगे तो सैचुरेटेड ना होगा यार। हाँ एक्स वाई क्या है, वाई कोई रिएजेंट है यार, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। हाँ जी सर। सिंस एल्कीन एंड अल्काइन आर देमसेल्फ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, therefore electrophile attacks initially, निकलिया सारे लोगों ने यहां तक ले गया कि एल्कीन और एल्काइन डेमसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है, तो इसीलिए ये होगा। निकले यहां तक? जी सर। यस सर। उसी में आगे अच्छा ओके जल्दी करें। लिख लिया? उज़ैर आपकी तरफ से हंगामा हो रहा है, प्लीज। जी सर, सॉरी सर। गौरव साहू कंप्लीटेड? यस सर। आप सुने सारे लोग, उसी में कंटिन्यू करें। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई भी पूछे एल्कीन और एल्काइन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन क्या है, सारे लोग मिलके बोलो। अरे बोलो ना, एल्कीन और एल्काइन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गुड। लिख लिया यहां तक? यस सर। अब हम पहला हम जो रिएक्शन सब पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, उसमें सबसे मशहूर लिखो, जब मैं एडिशन लिखूं तो समझ जाए एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ एच एक्स। एच एक्स का मतलब एस सी एल, एच बी आर और एच आई। फ्लोरीन बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, एच एफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन जल्दी नहीं निकलता है। निकले सारे लोग एडिशन ऑफ एच एक्स?
बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ देखो, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ HX, खुद सोचो एल्कीन में HX ऐड करोगे तो हाइलोजन जाएगा, तो जब हाइलोजन किसी कंपाउंड में ऐड हो जाता है देन इट फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड, क्या बनाएगा जल्दी बताओ? अल्काइल। हाँ, दिमाग लॉजिक से भी याद रखना, HX में हैलोजन है, एल्कीन में हैलोजन ऐड होगा तो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। अब देखो कैसे बनाएगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सारे लोग निकलिया? आसिया गौरव साहू? नो सर। व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद HX देन इट फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड। डन सर। आप देखिए CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है और HBr है आपके पास, बहुत आसान है। देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नेगेटिव पॉजिटिव, किसी पर H किसी पर Br, बताओ CH3 CH2 Br हो गया, हाँ या ना जल्दी बता दो। जी सर। जी सर। हाँ, अब सुनो सारे लोग, इसकी मैकेनिज्म जानना जरूरी है, ये तो आसान है, अब बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो स्टेप फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, HBr से H+ आएगा, एरो का साइन इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक, तो देखो वही है, नेगेटिव है तो एक पर नेगेटिव है तो H+ चला गया, तो दूसरे पर पॉजिटिव आए, देखो यहाँ भी कार्बो के टाइम बन रहा है कि नहीं जल्दी बताओ। जी सर। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट बनाने में सतर्क रहना है, देने को कुछ दे देगा कुछ, कहीं पर भी यहाँ भी रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे। अब कैसे समझेंगे रीअरेंजमेंट है वो हम आपको बताएंगे, पहले समझ लिया आप लोग ने? और बोलो स्टेप फर्स्ट जल्दी लिखो यहाँ तक। Yes, sir, done. एक मिनट सर। सर। लिख लिया? जी सर। अब स्टेप सीखना आसान है, अब क्या हो जाएगा जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो अब दूसरे में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बहुत आसान, दो ही स्टेप है, CH3 CH2 प्लस Br माइनस अटैक किया, तो आपको मैकेनिज्म बताना नहीं, प्रोडक्ट बनाना है, डायरेक्ट बनाएंगे ये सिखाया गया है। तो देखो यहाँ से क्या समझ में आया कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा कि नहीं, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, या नहीं तो जिसका कार्बो केटाइन स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट होगा, बताओ हाँ या ना? जी सर। बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी किन बातों पर डिपेंड करती है, सारे लोग मिलकर बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो केटायन। हाँ, आगे बढ़ें। दो सेकंड सर। यस सर, डन। चलिए आज इतना पर, कल आते ही लेट मत कीजिएगा, कल आते ही मैं मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल बताऊंगा, टाइम पर आइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।